हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं इतने अच्छे से व्यू ऑफ जल महल। बहुत ही प्रिटी लग रहा है। हमने थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे एंड उसके बाद हम जब ऑन द वे थे हमने हवा महल देखा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था लाइटिंग की वजह से। दिन में फिर भी उतना नहीं पता चलता जितना कि रात में, और भी खूबसूरत लग रहा है। इसके आसपास बहुत ही फेमस मार्केट है, आप चाहे तो वहां से अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग फोर्ट वगैरह पूरा जयपुर साइट सीइंग हमारी खत्म हो गई है। हम फटाफट होटल गए थे बिकॉज हम भेविन का गिफ्ट भूल गए थे घर में। अभी हम होटल में भूल गए थे। अभी हम जा रहे हैं योगेश भैया और सुमन भाभी से मिलने के लिए, और भेविन भी वहीं हैं। हम आपको अगर बातों में बिजी नहीं हो गए, वीडियो बना पाए तो जरूर मिलवाएंगे। ये गिफ्ट हमने लिया था पैसिफिक मॉल से जब दीपा दी की शॉपिंग करने हम लोग गए थे, आप लोगों को याद होगा। जानकी हमने गिफ्ट नहीं दिखाया था बिकॉज गिफ्ट तो डायरेक्टली देते हैं तो अच्छा लगता है। अब होपफुली वहाँ मिल पाए तो मिलेंगे, नहीं तो हम सीधा फिर मिलेंगे आपको होटल के अंदर। बाय बाय। बहुत लेट हो गया। देखो मंकी की पिटी कर देते हैं। मंकी ने रुलाया ना आपको, बेबी को रुलाया, इसको पिटी कर देते हैं और खोल कर ये है हमारा आज का स्टार। ओए बिबिन, बिबिन हेलो, हेलो कर दो चाची, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, सबके सामने बीस मिनट बोलेंगे चाची की। नहीं अभी हेलो कर, अब मेरी गोदी में भी खेल रहा था। जी भी कर, ये हिमांशु को दिखा रहे जी, दिखा दो, देखो चाचा क्या चाची जी चिढ़ा रहे हैं? हैं? चिढ़ा दो नहीं, अरे नहीं, पापा को देख लिया। लगता है भेविन को अपना गिफ्ट फाइनली पसंद ही आ गया है और वह अब उसके साथ एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है कितने अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत ही स्पेशल डे था, हम लोग सुमन भाभी एंड योगेश भैया के घर गए थे। बहुत टाइम से ये पेंडिंग था हमें, जब से हमारी शादी हुई थी लाइक 2 ईयर्स बैक, तब से भैया एंड भाभी हमें इनवाइट करा हुआ था उन्होंने एंड बहुत बड़ी प्लान बना, कैंसिल हुआ, बट फाइनली हम लोग जा पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा और भेविन से मिलके तो मज़ा ही आ गया। भेविन से हम फर्स्ट टाइम मिले, तब से हम मिल ही नहीं पाए थे बिकॉज कोरोना की वजह से सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, कैंसिल हो रहे थे बार बार प्लान्स। एंड क्या टेस्टी खाना बनाया था, वाओ कितना टेस्टी खाना था। एंड बहुत सारी बैठ के गपशप करी, आई नो सब कुछ हम लोग शूट नहीं कर पाए बिकॉज वी वर सो बिजी इन चिट चैटिंग एंड भेविन के साथ खेलने के लिए। जितना भी कर पाए मैंने व्लॉग के अंदर डाल दिया था। एंड अगेन, अगर आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो भेविन को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड हमारे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगेन, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। और इसके नेक्स्ट डे 12 बजे अराउंड की हमारी बस थी, तो हमने उस दिन कुछ भी नहीं घूमा, सिर्फ सुबह से मस्ती करी, सोए। एंड ये अब हम चेकआउट करके निकलते हुए बस की तरफ।
अभी अभी दीपा दी ने क्या किया निशा दी? बैग गिरा दिया। नहीं, उससे पहले रूम में क्या कर गई है? इयररिंग का बैग पूरा है ना? पूरा का पूरा। हमारी दो बार चेक करने के बावजूद और अगर हमारी कैब अभी तक आ चुकी होती तो वो रह जाता ना। और कल रात को क्या छोड़ा था इन्होंने? हम भी आ रहे हैं अब तो। वन मिनट दिखा रहे हैं। अब हम बस में पूरा डिस्कस करेंगे क्या अच्छा था क्या बुरा था इस ट्रिप का। मैं भी जा रही हूँ आप लोगों के साथ। And it's a wrap up. We are moving towards the bus stand and then in bus I will explain how this trip was. इसके बाद हम लोग निकल गए थे बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड तो ठीक जगह पे था बट बसेस जो है वो मेट्रो के नीचे खड़ी थी। ये रही हमारी इंटरसिटी की बस। बहुत ही कंफर्टेबल बस थी, बस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑन टाइम थी। दिल्ली भी हमें टाइम पे पहुंचा दिया। बट आप देख रहे हैं रोड पे ट्रैफिक कितना है। जयपुर में बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम है एंड वर्स्ट पार्ट वॉज कि जो मेट्रो के है उसके नीचे बसेस खड़ी थी तो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये अंदर से इस तरह से दिख रहा था जब लाइट बंद थी। कैप्सूल्स थे नीचे, आई थिंक सेमी स्लीपर थी। हमने जो है वो स्लीपर दो कैप्सूल बुक कराए थे एंड इट वॉज एक्चुअली नाइस कम्फर्टेबल प्लेजेंट जर्नी थी। टाइमली हमें पहुंचा दिया उसने दिल्ली। लाइट ही नहीं अभी और फिर शुरू हो गई हमारी मस्ती। तो मैं सारा कुछ नहीं एडिट करते टाइम मैं सब देखती हूँ क्या डालना है क्या नहीं ब्लॉग में। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्वाति महेंद्र। लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर ऑल द डेली व्लॉग्स। और इसी के साथ हमारी जयपुर जर्नी खत्म होती है। हम लोग दिल्ली सेफली पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।